Today we are studying about heroes formula, chapter 12, exercise 12.1, question number 6. So question number 6 is, an isosceles triangle has perimeter 30 cm and 6, and each of the equal side is 12 cm. So isme abhi question bola hai humse ki ek isosceles triangle hai jiska perimeter hai 30 cm. Perimeter matlab पूरे ट्रायंगल का सम 30 सेंटीमीटर है और उसकी दो साइड हमें 12 सेंटीमीटर दे रखी हैं. ओके, सो पहले मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लेता हूँ मैं. ओके, सो ये मैंने बना लिया एक ट्रायंगल. ओके, सो इसकी हमें दो साइड 12 दे रखी हैं, तो मैं कोई सी भी दो साइड मान लेता हूँ. ये और याली साइड दो साइड मान लेता हूँ. ये 12 सेंटीमीटर और ये भी 12 सेंटीमीटर, ए बी सी. ओके, और इसका पेरीमीटर कितना है? 30 सेंटीमीटर. ओके, सो अब हमें हीरो फॉर्मूला लगाना है और आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं हम. फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका एरिया बताना है. एरिया पता करने के लिए हम हीरो फॉर्मूला का यूज करते हैं. ओके, सो हीरो फॉर्मूले के लिए जरूरी होता है ए बी सी होना चाहिए और एस की वैल्यू, तभी हम फाइंड कर सकते हैं. ओके, सो हमारे पास ए है नहीं और बी सी है. ओके, मैंने इसको ए मान लिया इस वाली को, और इस वाली लाइन को बी, और इसको सी, स्मॉल बी माना है. ओके, स्मॉल बी. ओके, सो अब हम हीरोज फॉर्मूला लगाने से पहले हमें ए बी सी फाइंड करने पड़ते हैं, लेकिन हमारे पास बी है और सी है लेकिन ए नहीं है. सो ए निकालने के लिए हम लिख देंगे यहाँ पर ए प्लस 12 प्लस 12, ये बी और ये सी, इक्वल टू पैरामीटर कितना है हमारा? 30. अब हमारी ए की वैल्यू निकल आएगी. ओके, सो ए प्लस 12 प्लस 12 24, इक्वल टू 30. ए इक्वल टू 30 माइनस 24, क्योंकि ये प्लस का 24 है, इक्वल टू के साथ जाएगा तो माइनस का 24 हो जाएगा. ओके, सो 30 में से अगर 24 गए तो बचा हमारे पास 6, तो हम इसकी वैल्यू लिख सकते हैं, ये है 6, ए इक्वल टू 6. तो अब हमें ए बी सी है हमारे पास, अब हमें एस फाइंड करना है हीरो फॉर्मूले के लिए. तो हीरो फॉर्मूले के लिए एस फाइंड करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2. ओके, सो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है? ए की है 6 प्लस बी की है 12 प्लस सी की है 12 अपॉन 2. ओके, सो अब हमें सब पता चल गया. अब हम इन सबको प्लस कर रहे हैं. अब प्लस करके हमारा आंसर कितना आएगा? 30 अपॉन 2. अब हम काटेंगे 2 1 2 2 1 2 2 5 10, तो s इक्वल टू 15. ओके, तो s इक्वल टू 15 आया हमारा. सो अब हमारा हीरोज फॉर्मूला यूज होगा. सो हीरोज फॉर्मूले के लिए अब मैं नेक्स्ट पेज कर रहा हूँ, तो मैं ए बी सी की वैल्यू और s की वैल्यू लिख दूंगा कि समझने में आसानी हो. ओके, सो ए बी सी और s की वैल्यू है 15, सी की 12 सेंटीमीटर, बी की भी 12 सेंटीमीटर और ए की 6 सेंटीमीटर. और ओके, सो ये सब वैल्यू हैं हम जो पीछे करी थी. अब हम हीरोज फॉर्मूला यूज करेंगे. तो हीरोज फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू रूट में एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी. ओके, सो अब हमें सब वैल्यू पुट करनी होती हैं इसमें. तो हम एस की वैल्यू क्या है? 15 ब्रैकेट में फिर ऐसे, तो 15 माइनस ए की वैल्यू है 6, फिर एस की वैल्यू है 15 माइनस बी की वैल्यू है 12, फिर ऐसे, तो 15 माइनस सी की वैल्यू है 12. ओके, तो हो गया ये. ओके, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारा आंसर रहेगा, तो 15 को मैं एज इट इज 15 लिख देता हूँ. और अब सो अब हम 15 में से 6 को माइनस करेंगे तो आएगा 9,
इंटू 15 में से 12 करेंगे 3 और फिर 15 में से 12 को करेंगे तो फिर 3। ओके सो अब हम 15 का एलसीएम लेंगे, तो अगर हम 15 का एलसीएम लेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3 × 5 = 15। ओके आप एक तरह से इसको फैक्टर कह सकते हैं। 9 का हम करेंगे तो 9 का करेंगे हम तो आएगा हमारा आंसर 3 × 3 × ये वाला 3 लिखेंगे और इंटू ये वाला 3 लिखेंगे। ओके सो अब हमको पेयर बनाना है। अब जिसका पेयर बनेगा वो रूट के बाहर लिखा जाएगा और जिसका नहीं बन पाएगा वो रूट के अंदर रहेगा। ओके सो देखते हैं किसका पेयर बन गया। सो पेयर बनाया 3 3 का, ये वाले 3 का। सो 2 3 का ही पेयर बना तो उनमें से एक एक 3 बाहर आ जाएगा। ये वाला 3 एक बाहर आया और ये वाला एक 3 बाहर आया। ओके सो 5 और 3 अंदर आ गए तो 5 3 15 अंदर लिख देता हूँ, 3 3 9। सो 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो यही होगा हमारा फाइनल आंसर। सो थैंक यू।